सो हाय हाय गाइस, गाइस, हाय, हाय, वेलकम वेलकम बैक मिस अवर माधवी यूट्यूब चैनल एंड माधवी स्वर्ण। सॉरी 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 जी भाई, मैं अरे यार, सो गाइस, मेरी सिस एंड बीएफ लोगों की तरफ से बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल माधवी स्वर्ण। या तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैंने सोचा कि चलो व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूं। तो यहाँ पे दोनों लोग मौजूद हैं और हम लोग अभी तो फिलहाल तो रील्स बना रहे थे, रील्स का काम खत्म हुआ, फिर मैंने सोचा कि वीडियो भी बना ले यूट्यूब के लिए, है ना। तो चलो गाइस, लगते हैं अपने काम पर और आप लोगों से मैं होप करती हूँ और निवेदन भी करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, है ना गाइस। और ये चुड़ैल कब से बोलती है मैं तुम्हारा लिंक शेयर करूँगी, लिंक शेयर करूँगी, घंटा कुछ शेयर वेयर नहीं करती है ये, बस बोलती है मेरा मन बहलाने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके, जरूर करना और लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहना। सो वॉच करो आप लोग। सो एवरीवन, सीन देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं, मेरी बहन और तनीषा, हम लोग सारे माँ के घर एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पे ना ये है लहसुन, तो एक्चुअल में मेरी बहन लोग का शॉप है लहसुन प्याज का, थोक मार्केट वाला दुकान है। तो इन लोग इसको लेके आए थे घर पे सेलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ना इसको छाँटेंगे, छाँटेंगे इन द सेंस लहसुन की जो कलियाँ होती हैं ना, सॉरी, उसमें कई लहसुन अच्छी रहती है और कई लहसुन जो रहता है वो ख़राब रहता है। तो हमको क्या करना है, जो अच्छा अच्छा वाला लहसुन है ना उसको अलग करना है और जो ख़राब ख़राब वाला लहसुन की कली है ना उसको अलग करना है। तो यहाँ पे हम लोग तीनों लोग बैठ गए हैं आराम से और इवनिंग का टाइम है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, लहसुन जो ख़राब है वो साइड में रख रहे हैं और बहुत बकवास काम लगाई है मुझे, क्योंकि ना पता नहीं नाखून, मतलब ना लहसुन को छाँटने से ना उसकी कली को अलग करने से मेरे नाखून में पता नहीं इचिंग टाइप का कुछ होता है, अजीब सा मुझे लगता है। तो बहुत बोरिंग टाइप का काम मुझे लगा, लेकिन फिर भी मैं कर रही थी इंजॉय के साथ। तो यहाँ पे हम तीनों ही हैं घर पे और कोई नहीं है, पापा नहीं है, माँ नहीं है, भाई लोग तो वैसे भी रहते नहीं हैं घर पे, अपने अपने जॉब पे रहते हैं। तो एक्चुअली माँ और पापा गए थे इंगेजमेंट में, एक रिलेशन के हैं, उनकी बेटी का इंगेजमेंट था आज, तो उन लोग नहीं थे, इसलिए हम लोग घर पे आज हम लोगों का मौज था, तीनों लोग हम लोग मौज कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं, वीडियो भी बना लूं, साथ ही साथ सारा काम हो गया, हो जाएगा हम लोगों का। तो तनीषा का घर पास में ही है माँ के घर से, तो वो बस ये काम ख़त्म होगा, फिर थोड़ी देर हम लोग इन्जॉयमेंट करेंगे, उसके बाद वो चली जाएगी, बाकी हम लोग फिर मैं तो आज यहीं रुकने वाली हूँ, कल सुबह मैं अपने घर चली जाऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ गाइस, आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो फुल वॉच करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, आप लोग वॉच करते हैं तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, है ना, और लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिए। तो गाइस, मैं करती हूँ अपना काम और प्लीज़ आप लोग वीडियो पर बने रहो और फुल वॉच करो, ओके। सो फ्रेंड, चलो मैं आपको इसको बैक कैमरे से और पास से दिखाती हूँ। ये देखो, इस तरीके से हम लोग इसको छांट रहे हैं और छांट के जो ये बोरी है ना, बोरी कंटेनर जो भी बोल हो आप लोग, प्लास्टिक वाले, उसमें डाल देंगे। और एकदम आराम से हम लोग सारा काम कर रहे थे, क्योंकि मैंने बताया ना आपको इसका प्रॉब्लम मेरा अपना प्रॉब्लम है ना, तो इन लोग तो अच्छे से लगन से कर रहे हैं और बस ये जैसा ही ये काम ख़त्म हो जाएगा जैसे ही, उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग ना काम करते करते बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग सुन रहे थे, लेकिन मैं लगा नहीं सकती, आप लोगों को सुना नहीं सकती, है ना, समझ रहे हो आप लोग क्यों नहीं सुना सकती। तो यहाँ पे देखो, काम कर करके हम लोग थक गए, उसके बाद यहाँ पे तनीषा खा रही थी रोटी, बहन चला रही है मोबाइल और मैं बैठ के कर रही हूँ रिकॉर्ड। शाम का टाइम है, 5:30 से ज़्यादा हो गए हैं, 6:45 के करीब है ना। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा काम ख़त्म होता है और उसके बाद ना, एक्चुअल में बाहर में बैठे थे तो यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था हम लोगों को। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे
मच्छर की जो अगरबत्ती आती है ना उसको यहाँ पे मैं जला लूँगी। वैसे तो काम नहीं करेगा मुझे पता है, क्योंकि खुले में काम नहीं करता है। फिर भी तनिषा बोल रही थी कि यार मच्छर अगरबत्ती जला दो, तो यहाँ पे देखो ये मैं मच्छर वाली जो अगरबत्ती है वो जला रही हूँ है ना। और यहाँ पे मैं जला के इसको लगा दूँगी, और लगाने के बाद फिर देखते हैं मच्छर का आतंक बढ़ता है या कम होता है। तो बस हम लोग यहाँ पे हम लोग की मस्ती मजाक चल ही रहा था, और ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं पे भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो गाइस, हम लोगों के एंजॉयमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं आती। मैं आप लोग को बता दूँ, कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम लोग हमेशा हैप्पी रहते हैं। और आप लोगों से भी निवेदन है, हमेशा हैप्पी रहो यार, क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट है, हमेशा हंसते मुस्कुराते जीना चाहिए है ना। हम लोग वही करते हैं। तो यहाँ पे काम मेरा हो चुका है, और अब मैं क्या कर रही हूँ, शाम का जो बर्तन निकला है चाय वाय का वो मैं मांझ ले रही हूँ। तो यहाँ पे बातें तो हो रही हैं और काम भी होगी साथ ही साथ। तो यहाँ पे ज़्यादा बर्तन तो था नहीं, नल भी आ गया था। तो शाम का टाइम है गाइस, 6 बज चुके हैं, 6:15 हो चुका है, कुछ ही देर में बस अंधेरा होने वाला है, मेरा मोबाइल काम नहीं करने वाला है इसके बाद। तो मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर देती हूँ और बर्तन धो लूँगी, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। ओके, फ्रेंड शाम का तो पूरा काम हो चुका है ख़त्म, और अभी बज रहे हैं रात के 8। तो माँ पापा कोई नहीं है, उन लोग गए हैं सगाई में, एक रिलेटिव थे उनके सगाई में गए हैं, तो हम दोनों सिस्टर हैं घर पे। और सुबह मैंने सिर्फ रोटी खाया था, तो मेरा चावल खाने का बहुत मन था, वैसे तो मैं रात में चावल खाती नहीं हूँ, बट कढ़ी सब्जी थी तो चावल खाने का बहुत मन था, तो हम लोग अभी खाएंगे खाना। तो आइए, आप लोग भी इन्वाइट हैं मेरे साथ है ना, तो आप लोग फिर देखिए, वॉच करिए, ओके, और वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। तो फैमिली यहाँ पे कढ़ी चावल एकदम बन के रेडी है, और बस हम लोग इसको खाएंगे। और काम करते करते चेहरे का पूरा 12 बज गया था, आप लोगों ने देखा, तो बस हम लोग अब खाने के लिए बैठेंगे। ये देखो, मैं और मेरी बहन दोनों बैठ चुके हैं, रोटी भी है साथ में। सो गाइस, हम लोग अब बैठ रहे हैं खाने के लिए, और फाइनली मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड। तो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, और शुभ वाली रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट एंड
आई लव यू।